दोस्तों आप लोग भी जानना चाहते हैं कि हिकविजन का जो DVR आपके घर पे लगा हुआ है उसके अंदर मोशन सेंसर कैसे काम करता है, या एक्यूसेंस का फीचर कैसे कैसे उसके अंदर काम करता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसके साथ साथ आप ऐसा फीचर चाहते हैं कि जब भी आपके घर पे कोई एंटर करे तो लाइवली मॉनिटरिंग आपके फोन के ऊपर नोटिफिकेशन जनरेट हो, तो ये वीडियो स्पेशली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है जिसके अंदर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे एक्यूसेंस फीचर्स के बारे में, एक्यूसेंस के फीचर्स कैसे कैसे और हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि एक DVR की हेल्प से आप लोग ये सारे के सारे फीचर्स कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आज फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल की नई वीडियो के अंदर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक हिकविजन की तरफ से आने वाला 3K का कैमरा, जो कि 5 मेगापिक्सल के कैमरा के नाम से होता है, जिसका जो मॉडल नंबर है वो है DS-2CE70KFOT-PFS। ये एक 3K का कैमरा है, कलर नाइट विजन का कैमरा है। और एक यहाँ पे हम लोग जो DVR यूज कर रहे हैं वो एक एक्यूसेंस का DVR है, जिसका जो मॉडल नंबर है वो है IDS-7104HQHI-M1/S। ये एक एक्यूसेंस बेस्ड DVR है, एक्यूसेंस के स्मार्ट AI फीचर ये सारे के सारे सपोर्ट करता है DVR। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं एक्यूसेंस फीचर्स के बारे में, तो आप ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस पर क्लिक करके इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं कि एक्यूसेंस में क्या क्या फीचर्स होते हैं, इस DVR के अंदर आप क्या क्या लिमिटेशन है, ये सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। तो चलिए जल्दी जल्दी से इसको मैं यहाँ पे अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करता हूँ और एक एक करके हम जानते हैं कि इसके अंदर DVR के अंदर क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने यहाँ पे अपना पूरा जो सेटअप है वो रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने जो DVR वो लगा दिया है, कैमरा यहाँ पे फिक्स कर दिया है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे मेन्यू पे। ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले आ जाएगा। सबसे पहले हमारा लाइव का होता है, जिसके अंदर चारों कैमराज यहाँ पे आपको डिस्प्ले में मिल रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैं जिस भी कैमरे पे सेलेक्ट करूँगा वो कैमरा यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों अभी हमारा फर्स्ट नंबर पे कैमरा चल रहा है, तो फर्स्ट कैमरे का नंबर का कैमरा हमारा यहाँ लाइव है। सेकंड जो स्मार्ट फीचर आता है वो सबसे पहले यहाँ हमें देखने को मिलता है प्लेबैक के ऊपर। जैसे ही आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक ह्यूमन का ऑप्शन आता है, दूसरा व्हीकल का आता है। अगर मैं इसमें ह्यूमन को सेलेक्ट करता हूँ एंड स्किप नॉर्मल वीडियो को क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ क्लिक होने के बाद आपको सिर्फ वही वीडियो यहाँ पे दिखाई देंगी जो कि इस DVR के अंदर ह्यूमन की होंगी। जिस भी वीडियो के अंदर ह्यूमन का यहाँ डिटेक्शन होगा, ये वही डिस्प्ले पे यहाँ पूरी का पूरा वीडियो दिखाई देगा। सेकंड यहाँ पे आता है व्हीकल का, जैसे हम व्हीकल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ सिर्फ वही आपको डिस्प्ले में दिखाई देगा जो आपको व्हीकल की रिकॉर्डिंग इसके अंदर आपके DVR के अंदर स्टोर होगी। ये एक बहुत ही स्मार्ट और AI बेस्ड फीचर है। हमारी इससे जो यूज़ करना होता है DVR, इसके अंदर कभी भी कोई रिकॉर्डिंग देखनी होती है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। सेकेंड जो ऑप्शन आता है वो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सर्च के लिए आता है। सर्च में आप जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ह्यूमन का और व्हीकल का दोनों का ही ऑप्शन आता है। हम यहाँ से अपना टाइमिंग जो होता है यहाँ सेलेक्ट करके और यहाँ अपना कैमरा नंबर सेलेक्ट करके यहाँ पे हम अपना व्हीकल का लाइसेंस प्लेट नंबर तक यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और उस पर्टिकुलर नंबर प्लेट की जो भी रिकॉर्डिंग हमारे सिस्टम के ऊपर होगी वो यहाँ पे सर्च करने पे हमारे पास आ जाती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत ही स्मार्ट फीचर है, बहुत ही बेसिक लेवल का फीचर है। आपका जो कैमरा है वो यहाँ पे व्हीकल का नंबर स्टोर करने वाला होना चाहिए, तो यहाँ से आप व्हीकल प्लेट नंबर से भी आप डेटा निकाल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है ह्यूमन का, ह्यूमन से भी आप यहाँ पे आप अपने DVR से जितनी भी आप रिकॉर्डिंग निकालना चाहें आप वो वाली रिकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेबैक में निकाल सकते हैं, जिसमें सिर्फ ह्यूमन का ही इंट्रैक्शन है कैमरे के ऊपर। हम यहाँ पे ह्यूमन सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे हम डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर देंगे, अपना पूरा यहाँ कैमरा सेलेक्ट कर देंगे। जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये वो वाला डेटा आपको यहाँ दिखा देगा जिस डेटा के ऊपर आपका ह्यूमन का ही यहाँ पे रिकॉर्ड्स होगा। दोस्तों हम लोग यहाँ जो डायरेक्टली बात करेंगे वो यहाँ पे हम बात करेंगे हमारा एक्यूसेंस फीचर की। एक्यूसेंस फीचर्स में आने वाला जो सबसे पहला फीचर होता है उस पर हम लोग यहाँ बात करते हैं सबसे पहले मोशंस की। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो यहाँ आता है मोशन का। हमारा ये जो कैमरा है यहाँ पे लाइव है, हम यहाँ पे इसको एरिया को ड्रॉ कर सकते हैं। एरिया ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ लाइन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एरिया मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। दोस्तों जैसे ये एरिया मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है मैंने। एंड ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे ये एरिया यहाँ पे ड्रॉ हो गया है,
रोने के बाद आप यहाँ टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये अलार्म कब कब चाहिए, किस डेट पे चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे आप एडिट करेंगे तो सबसे पहले मैं मंडे को स्टार्ट करना चाहता हूँ और एंड जिस टाइम पे करना चाहता हूँ, एंड दूसरा यहाँ पे स्टार्ट टाइम जितने भी आप लगाना चाहें या लगा सकते हैं। दूसरा आप ट्यूसडे को कब चाहते हैं, वेडनेसडे को कब चाहते हैं, या पूरा का पूरा आप कर सकते हैं। अभी हमने इसको 100% किया हुआ है, ये सब पे इस टाइम लाइव है। दूसरा यहाँ पे लिंकेज एक्शन कि आपको कौन कौन सा एक्शन यहाँ पे परफॉर्म कराना है। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ तो अलार्म पॉपअप और बज अलार्म की, ये दो मैंने यहाँ पे कर दिया है। एक नंबर का कैमरा यहाँ ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है। अलार्म आउटपुट लिंकेज, ये क्या होता है, ये IDS के DVR के अंदर हमारा कोई हम लोग अलग से हूटर वगैरह नहीं लगा सकते हैं, तो ये अगर आपका जो DVR है या NVR है जिसके अंदर हूटर का ऑप्शन होता है वो यहाँ पे आप कनेक्ट करके उसको आउटपुट भी करा सकते हैं। जो फोर्थ ऑप्शन आता है ऑडियो एंड लाइट अलार्म कैमरा, हमारे जो बेसिक कैमरा हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं इसलिए ये वाला ऑप्शन भी अनेबल नहीं है। ये करने के बाद मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूँगा। जैसे मैंने यहाँ इसको अप्लाई कर दिया है, आप देखेंगे कि ये एरिया हमारा कनेक्ट हो चुका है। ह्यूमन व्हीकल मैंने दोनों के दोनों यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं इवेंट्स के अंदर। इवेंट्स के अंदर जो पहला ऑप्शन आता है नॉर्मल इवेंट, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। जैसे हमने पूरा सोफा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, हमने ह्यूमन और व्हीकल दोनों के दोनों यहाँ सेलेक्ट कर दिया है। अगर मैं अलार्म की बात करता हूँ तो बज अलार्म और पॉपअप ये दोनों के दोनों कर दिया। आप ये देखेंगे कि ये फंक्शन काम कैसे करता है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक दो नंबर का कैमरा यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ और अपने टीम मेंबर से बोलता हूँ आप उधर जाइएगा, तो आप देखिएगा कि पॉपअप कैसे काम करता है। जैसे ही वो उसके पास जाएंगे आप स्क्रीन पे देखेंगे कि यहाँ पे पॉपअप काम कर दिया है, प्लस यहाँ पे जो अलार्म है वो भी बजने लग गया है दोस्तों। तो ये पहला फीचर था जो कि हमारा एक मोशन डिटेक्शन का फीचर। जो सेकंड ऑप्शन आता है वो पेरीमीटर प्रोटेक्शन का आता है। अब इसे पेरीमीटर को कैसे हम लोग काम करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे अपना एरिया। जैसे सपोज करते हैं मैं ये वाला एरिया अपना पूरा का पूरा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एरिया हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा का पूरा ड्रॉ कर दिया है। जैसे हमारे मेंबर बाहर जाएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे पॉपअप भी एक्टिवेट हो गया है और यहाँ पे हमारा जो हमारा सायरन है वो भी यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे हमने अपनी जो अभी गेट के ऊपर डाला था वो गेट के ऊपर डाला था, अभी ये पॉपअप हमारा हट गया है। अगेन अगर कोई बाहर से अंदर आएगा तो यहाँ ये पॉपअप के साथ हमारा कैमरा डिस्प्ले पे भी आएगा, प्लस यहाँ पे अलार्म भी करेगा। हम थर्ड पे जाते हैं जो कि एक फेस सिंक्रोनाइजेशन का फीचर है। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग एक पोर्ट के ऊपर एक ही फीचर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो अभी हमें सबसे पहले पेरीमीटर को डिसेबल करना पड़ेगा एंड फिर मैं यहाँ पे फेस डिटेक्शन को यहाँ पे ऑन करूँगा। दोस्तों यहाँ पे अगेन मैं इसको फेस डिटेक्शन को ऑन कर देता हूँ। ये क्या अगेन ये क्या है, द फंक्शन इज कंटिन्यू द लाइन क्रॉसिंग डिसेबल, यस कर देते हैं तो हमारा जो ये है ये डिसेबल हो गया है और हमारा फेस डिटेक्शन यहाँ पे अनेबल हो गया है। जैसे मैं इसकी कैंसिल सेंसिटिव वगैरह कर देते हैं, लिंकेज के अंदर अगेन हम अलार्म एंड बज कर देते हैं। अभी आप देखेंगे कि इस कैमरे के सामने कोई भी फेस नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कॉन्फ़िगर हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि इस पूरे के ऊपर कोई भी फेस नहीं है, कोई भी ह्यूमन नहीं है। तो मैं हम लोग अगेन इस पे जाते हैं एंड इस पे जाने के बाद हम किसी और चैनल को सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम लोग इस कैमरे के सामने आएंगे, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमारे टीम के मेंबर आए हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेस कैप्चरिंग यहाँ पे ऑन हो गया है। दोस्तों इस टाइम आप जो देख रहे हैं फेस कैप्चरिंग ऑन हो चुका है। अगर मैं इसके रिकॉर्ड्स में जाता हूँ, रिकॉर्ड में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं ह्यूमन को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक नंबर का कैमरा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये उतने ही टाइम की रिकॉर्डिंग देगा जितने टाइम पे यहाँ पे ह्यूमन डिटेक्शन हुआ है। अभी आप जो देख रहे हैं ये उतने ही टाइम की यहाँ पे रिकॉर्डिंग देगा जितने टाइम के अंदर हमारा ह्यूमन यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है। तो ये कुछ ह्यूमन डिटेक्शन का फीचर होता है। अब हम लोग जानेंगे कि इसके अंदर जैसे जो पीपी बज रहा है आप यहाँ पे नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। इस DVR के ऊपर टॉप पे आप देखेंगे तो यहाँ दिखा रहा है, ये आ रहा है फेस कैप्चर। आप यहाँ से प्ले करके भी आप देख सकते हैं, ये फेस कैप्चर की वीडियो है। ऐसी अगेन यहाँ लैंड क्रॉसिंग की थी तो यहाँ लैंड क्रॉसिंग की वीडियो भी देख सकते हैं। आप लैंड क्रॉसिंग की वीडियो भी यहाँ पे जब आप प्ले करेंगे तो यहाँ प्रॉपरली आप वीडियो यहाँ पे विजिबल हो जाएगी दोस्तों। जैसे यहाँ लैंड क्रॉसिंग की वीडियो है तो अभी लैंड क्रॉसिंग की प्रॉपर वीडियो यहाँ देख सकते हैं ना। अब हम देखेंगे कि फ़ोन के ऊपर ये कैसे काम करता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अपने जो DVR है उसको हम लोग ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करने के लिए मैं अगेन अपना यहाँ पे फ़ोन आपको जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको ऐड कैसे करते हैं मैं आपको ऐड करना भी सिखा देता हूँ। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले जाएंगे रिकॉर्डिंग के ऊपर। यहाँ रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर लिया है। रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद हम सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन है हिकविजन की एप्लीकेशन है हिक कनेक्ट, हम उसके ऊपर जाएंगे।
एक कनेक्ट पे जाने के बाद हमें यहाँ पे अपने DVR को ऐड करना है। ऐड करने के लिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ प्लस बटन होता है, प्लस बटन के ऊपर जैसे मैं यहाँ स्कैन करूँगा, स्कैन करने के लिए आप यहाँ कनेक्शन में लाइव में आप यहाँ पे जाएंगे नेटवर्क पे, नेटवर्क पे जाने के बाद प्लेटफॉर्म एक्सेस और यहाँ आपको ये इसको स्कैन करना होगा। जैसे ही मैं यहाँ स्कैन करूँगा, स्कैन करने के बाद यहाँ ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ ऊपर ही दिख जाता है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं India123। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये मॉडल नंबर आ गया, मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करेंगे। जैसे मैं यहाँ नॉर्मल इवेंट्स की बात करता हूँ, यहाँ इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। ये कह रहा फेस वाले को आपको बंद करना पड़ेगा, मैंने फेस वाला बंद कर दिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पे नोटिफाई सर्विलेंस को हमें अनेबल करके यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम अपने फ़ोन के ऊपर देख पाएंगे। जैसे मैं इसको यहाँ अनेबल कर देता हूँ, अभी हमने स्क्रीन के कैमरे बंद किए हुए हैं। जैसे मैं इस पर ऐड करके ऐड करना चाहूँ तो कैमरे को यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ, बट अभी मैं इसको नहीं करूँगा, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अब जैसे ही मेरा टीम मेंबर आएंगे, मैं बोलूँगा विक्रम जी एक बार आप जाइए। जैसे ही आप आए हैं, आप देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर यहाँ कैमरा नंबर 1 मोशन सेंसर डिटेक्शन यहाँ सबसे पहले आ गया है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर उस टाइम की रिकॉर्डिंग आपके यहाँ पे प्ले करने लग जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारे एक्यूसेंस के, जो हम अपने फ़ोन के साथ और अपने DVR के साथ यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में देखा कि एक TV स्क्रीन के ऊपर हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, प्लस एक फ़ोन के ऊपर भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस बात में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसको यहाँ पे इवेंट्स में जाके जब आप कोई भी मोशन सेंसर करेंगे तो लिंकेज के ऊपर आप यहाँ नोटिफाई सर्विलेंस पे भी आपको क्लिक करना होगा, तभी आप किसी जिस भी डिवाइस के ऊपर आप देख रहे हैं फ़ोन पे लैपटॉप पे, तभी आपको नोटिफिकेशन यहाँ मिलने वाला है दोस्तों। तो ये कुछ फीचर्स है हमारे एक्यूसेंस के, जिसके अंदर हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया था वो इवेंट का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर को इस टाइप की कोई भी रिक्वायरमेंट हो या उनके घर ऑलरेडी IDS का DVR लगा हो तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वो इस पूरे के पूरे जो फंक्शन है, इस पूरे के पूरे जो फंक्शनैलिटी है जो हमें हिकविजन से मिलती है, वो इसका भरपूर फ़ायदा उठा सके।